साथ मैं हूँ स्वीकार, देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं महादेव के महामंत्रों की। आदि अनंत शिव के वो मंत्र जिनका जाप आपको कष्ट मुक्त कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सृष्टि के सबसे पहले मंत्र के बारे में। कहते हैं इस मंत्र में वेदों का सार छिपा है और इसी मंत्र में भगवान शंकर के संपूर्ण स्वरूप का चित्रण मिलता है। यह है भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र। धार्मिक मान्यता तो यही कहती है कि यह सृष्टि का पहला मंत्र है जिसे मानव कल्याण के लिए रचा गया। वहीं पौराणिक इतिहास बताता है कि इस मंत्र को भगवान शिव ने अपने पंचमुख से भगवान ब्रह्मा को प्रदान किया था। पंचाक्षरी मंत्र में है अद्भुत शक्ति। नमः शिवाय के जाप से मिल जाएगी कष्टों से मुक्ति। शिव तो अनंत हैं, वो परब्रह्म हैं। शिव के नाम से ही इस जगत में उजाला है। शिव निराकार हैं, उनकी महिमा का कोई सानी नहीं। और शिव के पंचाक्षरी मंत्र से तो शिव की विशेष कृपा मिल सकती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शिव की विशेष कृपा पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप बेहद कारगर है। नमः शिवाय यही पंचाक्षरी मंत्र है। इसके साथ ओम प्रणव मंत्र को जोड़ा जाता है, तो यह पूर्ण मंत्र ओम नमः शिवाय कहा जाता है। भगवान शिव का प्रसन्न करने वाला ये महामंत्र है, जो भगवान शिव ने स्वयं इस मंत्र का निर्माण किया है। यह मंत्र पांच तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व द्वारा रचित यह अधम शरीरा, उसी प्रकार यह महामंत्र जो है नमः शिवाय, न जो है अक्षर है वह पृथ्वी, म जो अक्षर है वह जल, शी जो अक्षर है अग्नि, वह जो है वायु और यह जो है आकाश। यह पंच तत्वों के द्वारा रचित पंच तत्वों के पंचभूत विशेष यह नमः शिवाय महामंत्र के जप करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति होती है। तो आइए जानते हैं शिव पंचाक्षर के पहले अक्षर न के बारे में क्या कहता है ज्योतिष विज्ञान। इसका अर्थ नागेंद्र से है, जो नागों को धारण करने वाले हैं। न का अर्थ निरंतर शुद्ध रहना भी है। इस अक्षर के प्रयोग से इंसान दसों दिशाओं में सुरक्षित रहता है। शिव पंचाक्षर का दूसरा दिव्य प्रभावों वाला अक्षर है म। ज्योतिष के जानकारों की माने तो म अक्षर में स्वयं महादेव की शक्ति बसी है। इसके उच्चारण से प्रसन्न होते हैं महाकाल। आइए जानते हैं शिव के इस अक्षर का क्या अर्थ है और ये सृष्टि के कौन से तत्व को नियंत्रित करता है। इसका अर्थ मंदाकिनी को धारण करने से है। इस अक्षर का अर्थ महाकाल और महादेव से भी जुड़ा है। नदियों, पर्वतों और पुष्पों को नियंत्रित करने के कारण इस अक्षर का प्रयोग हुआ। ये जल तत्व को नियंत्रित करता है। शिव पंचाक्षर की आधी शक्ति इसी अक्षर में समाई है, शा अक्षर में। शिव और शक्ति से जुड़ा है शिव पंचाक्षर का शा। इसके जाप से संसार का हर कष्ट दूर हो सकता है। ज्योतिष में इस अक्षर का विशेष महत्व है। इसका अर्थ शिव के शक्ति को धारण करने से है। ये परम कल्याणकारी अक्षर माना जाता है। इस अक्षर से जीवन में अपार सुख और शांति का आगमन होता है। जब जब महादेव की तीसरी आंख खुली तब तब विनाश लीला हुई। महादेव जब क्रोधित होते हैं तब खुलती है उनकी तीसरी आंख। और शिव पंचाक्षर का अक्षर व का संबंध शिव के विकराल रूप से है। आइए जानते हैं इस शुभ अक्षर का अर्थ।
इसका संबंध शिव की तीसरी आंख से है। ये अक्षर शिव जी के प्रचंड स्वरूप के दर्शन कराता है। इस अक्षर का प्रयोग ग्रहों और नक्षत्रों को नियंत्रित करता है। शिव पंचाक्षर का आखिरी अक्षर है य। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस अक्षर में शिव पूर्ण रूप में विराजमान है। इसके प्रयोग से भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। इस अक्षर का अर्थ है शिव जी ही आदि, अनादि और अनंत हैं। ये अक्षर संपूर्णता का है, जिसमें शिव को सर्वव्यापक माना गया है। इस अक्षर के प्रयोग से शिव की कृपा मिलती है। देखा आपने कितना चमत्कारी है शिव पंचाक्षर यानी नमः शिवाय मंत्र। शिव पंचाक्षर यानी नमः शिवाय के जाप से आपके कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख का आगमन होगा। तो इस महामंत्र का जाप करिए और शिव कृपा का आनंद उठाइए। महादेव का परम शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे कारगर मंत्र। भगवान शिव के इस चमत्कारी मंत्र ने संसार की पीड़ा कम की है। चलिए आपको इस मंत्र की शक्तियों के बारे में बताते हैं। एक मंत्र जिसके आगे काल भी हारे। एक मंत्र जो मृत्यु के संकट को टाले। मृत्यु पर विजय का महामंत्र। महादेव का महामृत्युंजय मंत्र। महादेव का परम शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। एक ऐसा मंत्र जिससे मिट जाता है अल्प आयु का संकट। कहते हैं जो इंसान पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का जाप करता है, उसकी सुरक्षा का भार स्वयं महादेव उठाते हैं। भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा और रक्षा की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का दीर्घ या लघु स्वरूप जाप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। मंत्र का जप करने के लिए सावधानियां और नियम हैं, जिनका पालन करने से ये ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। कई प्रकार से ये मंत्र प्रयोग में लाया जाता है, सामान्य भी और विशेष रूप से भी। भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा गया है, यानी उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है। आदि अनंत महादेव के इस मंत्र में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां समाई हैं। ज्योतिषी तो यहाँ तक कहते हैं इस मंत्र का जाप मौत के मुंह से खींचकर जिंदगी की ओर ले आता है। महामृत्युंजय जो है वो जो अकाल मृत्यु होती है, कई सारे संकट होते हैं, इनको नाश करने वाला होता है। और विशेष रूप से सावन महीने में जैसे कई लोग होते हैं भाई कि महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने से ही सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारा जो है राहु चल रहा है गलत है या उसकी दशा खराब है या शनि की, तो केवल महादेव को एक जोला एक लोटा तांबे के पात्र में जल अर्पित करने मात्र से ही उन जो है कष्टों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। ये वो चमत्कारी मंत्र है जिसको जपने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और लंबी आयु और साथ ही निरोगी रहने का वरदान देते हैं। मंत्र जाप के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र को जानना भी जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं क्या है महादेव का संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्
मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जु होम ओम। कुछ लोगों को महामृत्युंजय के बीज मंत्र के उच्चारण में कठिनाई आती है, ऐसे में आप सामान्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं महामृत्युंजय मंत्र का सामान्य रूप। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये वो चमत्कारी मंत्र है जिसको जपने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव के जीवनदायिनी महामृत्युंजय मंत्र के लिए कहा जाता है कि अगर नियम से आप इसका जाप करेंगे तो इसका प्रभाव और अधिक हो जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं महामृत्युंजय मंत्र के नियम। इसके नियम है, एक तो जैसे जो अपने वैदिक ब्राह्मण लोग होते हैं इसका 1,25,000 जप होता है, इसको निरंतर करना चाहिए। निरंतर करके उसको पूर्ण करके उसका फिर जो है होम इत्यादि करके वो पूर्ण होता है। दूसरा विधान अगर कोई व्यक्ति है और वो घर में रह के प्रत्येक दिन एक माला कर सकता है, करे सुबह उठ के स्नान इत्यादि करके ब्रह्म मुहूर्त में वो आके महादेव का जप करे, महामृत्युंजय जाप करता है केवल ओम त्र्यंबकम् यजामहे से लेकर पूरा मंत्र का जाप करके ओम का संपुट लगाए, इससे भी उसके जो है शारीरिक कष्ट हैं, ग्रह कलेश हैं इत्यादि इस सब प्रकार के कष्ट जो है क्षय हो जाते हैं। मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। कष्ट या संकट के समय इसका जाप कभी भी किया जा सकता है। जाप शिवलिंग के या शिवजी के चित्र के समक्ष करें। जाप रुद्राक्ष की माला से करना ही उत्तम होगा। अगर मंत्र जाप के पूर्व शिवजी को जल और बेलपत्र अर्पित कर दें तो और भी शुभ होगा। अगर सही नियमों से इसका जाप करें तो ये महामृत्युंजय मंत्र और भी असरदार हो जाता है। तो कोई भय हो, परेशानी हो, मृत्यु का संकट हो, महादेव के इस मंत्र की शक्ति आपके जीवन में करेगी ऊर्जा का संचार। आदि अनंत महादेव हर लेंगे आपके सारे कष्ट। आदि अनंत महादेव देवों के देव हैं, वो रुद्र हैं तो साथ ही भोले भी हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं महादेव। उनकी कृपा पाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए एक ऐसे स्तोत्र की महिमा का गुणगान अब हम करेंगे जो स्वयं रावण द्वारा रचित है, जिसका पाठ करने से कई तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। एक स्तोत्र जिससे मान जाते हैं रूठे शिव। शांत भोलेनाथ की उपासना के कई माध्यम हैं, लेकिन रूठे शिव को मनाने का एक ही तरीका सबसे उत्तम है और वो है उनके प्रिय स्तोत्र का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र। महादेव को प्रसन्न करने के लिए जिस स्तोत्र को रावण ने रचा वही है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र की रचना भगवान शिव के भक्त रावण ने की थी। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की एक खास स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। एक कथा के अनुसार रावण कैलाश लेकर जाने लगा था, तब भगवान शिव ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। कैलाश वहीं रह गया और रावण उसके नीचे दब गया था। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ये स्तुति की। ये स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। जहां रावण दबा था वो जगह राक्षस ताल के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ खास दशाओं में अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं किन दशाओं में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना
सर्वोत्तम होता है। जब सेहत की समस्याओं का समाधान न निकल रहा हो, जब शत्रु या विरोधी आपको परेशान करें, जब आर्थिक या रोजगार की समस्याएं आ रही हों, जब जीवन में कोई विशेष उपलब्धि पानी हो मगर न मिल रही हो, जब किसी भी ग्रह की कोई बुरी दशा हो, तब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ लाभदायक होता है। अगर आप नियमों को ध्यान में रखकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपकी उपासना ज्यादा प्रभावी होगी। प्रातः काल या प्रदोष काल में इसका पाठ करना सर्वोत्तम होगा। पहले शिव जी को प्रणाम कर उन्हें धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गा कर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अगर नृत्य के साथ इसका पाठ किया जाए तो सर्वोत्तम होगा। पाठ के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करें। महादेव तो आदि और अनंत से परे हैं, वो भक्तों के लिए ढाल हैं और दुष्टों के लिए काल हैं। तो आप भी पूरे मनोयोग से करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, जो न सिर्फ आपका जीवन सुख समृद्धि से भर देगा बल्कि दिलाएगा महादेव की असीम कृपा। तो भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें पूरी करें, आपकी तमाम प्रार्थनाएं स्वीकार करें, इसी कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।